हेलो दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से 4x6 वाले साइज वाले पेपर पे आप किस तरह से फ़ोटो प्रिंट कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह का पेपर साइज होता है, जो कि आपका चौड़ाई जो है यहाँ पे 4 इंच रहेगा और लंबाई जो है 6 इंच यहाँ पे रहेगा। तो आपको किस तरह से यहाँ पे इस पेपर में फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, पूरा मैं इस वीडियो में मैं इसमें लाइव बता के प्रिंट करके मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपके पास एक डिजिटल स्टूडियो है तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं किस तरह से आप फ़ोटो प्रिंट कर सकते हैं तो भी आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी फ़ोटो को आपको यहाँ पर प्रिंट करना है उसको आपको फ़ोटोशॉप में ओपन कर लेना है। तो मैं इस फ़ोटो को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ फ़ोटोशॉप में, मुझे इस फ़ोटो को प्रिंट करना है। तो आपको क्या करना है, ये फ़ोटो मेरा चूँकि पूरा रेडी है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ में यहाँ से क्रॉप कर लेना है फ़ोटो को। अगर आपको साइज़ नहीं पता है तो मैं आपको साइज़ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं साइज़ कितना करना है आपको। यहाँ से आपको क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने के लिए इस फोटो में एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक ऑप्शन आएगा स्टॉक का, उस पर क्लिक करके आप जितना पिक्सल का यहाँ पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं लगा के यहाँ से ओके करेंगे। ये हो गया लॉन्ग तरीका। अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड में कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, उसके बाद अल्ट के साथ ई और एस एक साथ प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर ये स्ट्रोक यहाँ पर बॉर्डर लग जाएगा। यहाँ पर बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पे बॉर्डर लग सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये इमेज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से इसको रोटेट कर देना है। यहाँ से इमेज वाले ऑप्शन पे जाके रोटेट कैनवास यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से 90 डिग्री पे इसे रोटेट कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री पर ये रोटेट हो चुका है। आपको अब आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और यहाँ से पेपर साइज जो है वो सेलेक्ट करेंगे, जो कि 4x6 का यहाँ पे होगा। 4x6 का यहाँ पे पेपर साइज जो है आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, माउस की सहायता से आपको जो यहाँ पे जो न्यू पेपर लिए हैं उसमें आपको यहाँ से फ़ोटो को ले जाना है और इसमें आपको एडजस्ट कर देना है, जो कि मुझे 8 फ़ोटो प्रिंट करना है यहाँ पे, 8 पीस जो कि मुझे निकालना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको फ़ोटो को एडजस्ट करने लगा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो यहाँ पर एडजस्ट किया। अब आपको अल्ट और माउस की सहायता से इसे कॉपी कर लेना है इस फ़ोटो को, ठीक है। अल्ट प्रेस करके रखेंगे और माउस की सहायता से इसे कॉपी करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपी हो चुका है। अब ये दोनों फ़ोटो को सिर्फ को आपको एडजस्ट करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड में यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और ई प्रेस करेंगे तो ये एक लेयर बन जाएगा, एक ही लेयर में हो जाएगा। उसके बाद आप अल्ट की सहायता से आप जितना बार मन चाहे आप उसे कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें 8 पीस ही निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 8 पीस फोटो यहाँ पे रेडी है प्रिंट होने के लिए, ठीक है। आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा बट ये पासपोर्ट साइज़ का ही इसमें फ़ोटो रहेगा जब प्रिंट हो गया आएगा। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करना है। प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेपर डॉक्यूमेंट साइज में आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी आपका पेपर का साइज है वो सेलेक्ट करेंगे, जो कि मुझे यहाँ पे 4x6 इंच का है तो मैं वो सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से पेपर टाइप में आपको पेपर सेलेक्ट करना है। फ़ोटो निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ से फ़ोटो पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां से प्रीमियम फ़ोटो पेपर यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि पेपर सेम ही रहता है। मैं यहां से कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूं, जो भी अगर आप जितना हाई क्वालिटी सेलेक्ट करेंगे उतना ही अच्छा फ़ोटो यहां पे प्रिंट होगा। उसके बाद यहां की क्वालिटी आपको हाई कर देना है। अगर आप ब्लैक एंड वाइट निकालना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आपको कलर वाले ऑप्शन पर टिक मार्क करते रहना है। उसके बाद आपको ओके प्रेस कर देना है। ओके करने के बाद आप फिर से ओके प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ से प्रिंट करके यहाँ से मैं आपको लाइव बता देता हूँ कि किस तरह से आपका ये प्रिंट होगा और आपको पेपर को कैसे एडजस्ट करना है प्रिंटर में। तो चलिए मैं आपको अपने प्रिंटर पे लेके चलता हूँ, वहाँ से आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने प्रिंटर के ऊपर आ चुका हूँ और मेरे हाथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये दो पेपर है, जो कि
4x6 इंच का है यहाँ पे पेपर। अब मैं आपको बता देता हूँ, प्रिंटर के सभी प्रिंटर के पीछे जो पेपर वाले एरिया होता है उसमें आप देख सकते हैं ये दो यहाँ पे दिया रहता है पेपर एडजस्ट करने के लिए। तो इसको आपको थोड़ा सा नज़दीक कर देना है ताकि इसमें ये जो पेपर है वो यहाँ पे एडजस्ट हो सके अच्छे से। तो मैं इसे इसमें यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ पेपर को। आप देख सकते हैं थोड़ा सा छोटा हो गया, मैं इसे इस पेपर को एडजस्ट कर देता हूँ ताकि प्रिंट अच्छे से हो सके। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ से यहाँ पे सेंटर में इसे एडजस्ट हो चुका है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्यूटर में आपको कमांड दे देना है इसे प्रिंट करने के लिए। तो मैं एक कंप्यूटर में इंटर मार देता हूँ, आपको यहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। किस तरह से प्रिंट होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से इंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर यहाँ से अंदर खींच लेगा ये प्रिंटर ऑटोमेटिक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर अंदर जा चुका है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये प्रिंट होना स्टार्ट हो चुका है। अब किस तरह से प्रिंट होता है ये भी मैं आपको यहाँ से ओपन करके बता देता हूँ। आप देख सकते हैं ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पे फ़ोटो। उसके बाद आप ऐसे ही करके कुछ देर आपको वेट करना है, प्रिंट जो कि हाई क्वालिटी का पेपर रहेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा, पेपर क्वालिटी अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ समय के बाद आपको यहाँ से पेपर जो है फ़ोटो प्रिंट हो जाएगा जो कि कुछ इस तरह का यहाँ पे फ़ोटो आएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे पूरा का 8 फ़ोटो यहाँ पे रेडी हो चुका है, जो कि यहाँ पे थोड़ा भी पेपर आपका वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये 8 फ़ोटो ही, ये साइज का जो पेपर आता है इसमें 8 फ़ोटो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और ये पेपर आपको मार्केट में बहुत आसानी से यहाँ पे मिल भी जाएगा, ठीक है। इसमें आपको पेपर थोड़ा भी वेस्ट नहीं होगा। पहले क्या होता था, A4 साइज़ का अगर आप पेपर में अगर निकालते हैं अगर 8 फ़ोटो तो आपका जो है वहाँ पे जो नीचे का जो पेपर बच जाएगा वो आपका वेस्ट चला जाता था। तो इस तरह से आप जो है पेपर को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन ज्ञान टेक्निकल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।